आज मैं वाइट लावा कपकेक्स बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक पैकेट ओरियो का लिया है, एक पैकेट मैंने बॉर्बन बिस्किट का लिया है। आप चाहें तो दोनों ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। साथ मैंने ये वाइट कंपाउंड लिया है। तो चलिए अब हम कपकेक बनाते हैं। दोनों ही बिस्किट के पैकेट्स को डालकर हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, बिस्किट को हमने इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें एक चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एक पेस्ट जैसा बनाएंगे। ये देखिए बिस्किट का इस तरह से हम इतना पतला पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने पेपर कप लिए हैं और इनको अंदर से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब 1-1 चम्मच हम इसमें बैटर को डालते जाएंगे। अब मैं इसमें वाइट चॉकलेट है उसको ऐड करूंगी। ये देखिए, मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है, मेल्ट नहीं किया है। तो इसे सेंटर में हम आधा आधा स्पून इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, मैंने वाइट चॉकलेट सारे कप्स में डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बैटर फिर से डालूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये सारे कप फिल कर लिए हैं। अब मैं इसे माइक्रोवेव मोड पर 4 मिनट के लिए इसको बेक करूंगी। ये देखिए, कपकेक्स बनकर अब तैयार हैं। ये सिर्फ 4 मिनट में ही माइक्रोवेव में बन गए हैं। तो अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए, ये केक अब पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद देखिए आप, ये कपकेक्स ने साइड छोड़ दी है, तो ये आसानी से बाहर आ जाएंगे। देखिए, सॉफ्ट ये कपकेक्स बने हैं। तो इसी तरह हम सारे निकाल लेते हैं। अब हम कपकेक के ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देंगे और थोड़ी सी चॉकलेट इस तरह से मैंने क्रश कर ली थी उसको इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, हमारे बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी बच्चों के फेवरेट वाइट चोकोलावा कपकेक बनकर तैयार हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, अंदर से ये बहुत अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हो गई है। तो आप इस तरह से वाइट लावा केक को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बच्चों को बहुत भाएगा। थैंक यू।